अमेरिका लगातार अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी करवा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार यानी 2 जुलाई 2021 को एक महत्वपूर्ण स्तर पर यह वापसी पहुंच गई। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी अमेरिकी बलों ने बेसाल बगराम एयरबेस छोड़ दिया है। बगराम 20 वर्षों से अमेरिका का अफगानिस्तान में युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक सैन्य अड्डा रहा है। इस बीच अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ तालिबान ने भीषण हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान लड़ाकों ने राजधानी काबुल जाने वाली महत्वपूर्ण सड़कों की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इसके साथ तालिबान ने बगराम को सौंपे जाने की खबर का स्वागत किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने यह नहीं बताया कि आखिर अमेरिकी सैनिक कब तक पैकअप कर और अफगानिस्तान से घर जाने वाले हैं। अभी बहुत सारा काम अधूरा है। तालिबान ने बगराम को सौंपे जाने की खबर का स्वागत किया है। प्रवक्ता सुहेल साइन ने शुक्रवार को CBS न्यूज़ को बताया, हमें उम्मीद है कि हमारी ज़मीन पर कोई और विदेशी सैनिक नहीं है। बगराम एयरफील्ड अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना और शक्ति का केंद्र था, जो काबुल के उत्तर में सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर बाढ़ और विस्फोटक की दीवार के पीछे एक विशाल मिनी शहर था। यह शुरू में 9/11 के हमलों का बदला लेने के लिए अमेरिकी अभियान और फिर तालिबान के साथ आगामी युद्ध के माध्यम से इसके संघर्ष का प्रतीक था। अब कुछ ही दिनों में आखिरी अमेरिकी सैनिक बगराम से विदा हो चुके होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वे इस चीज़ को छोड़ रहे हैं जिसे शायद बेस से जुड़े सभी लोग, चाहे अमेरिकी हों या अफगान, एक तनावपूर्ण विरासत मानते हैं। US सेंट्रल कमांड ने कहा कि पिछले सप्ताह बगराम की पैकिंग 50% से अधिक हो चुकी है और पैकिंग तेजी से चल रही है। अमेरिका को 2,300 लोगों की जान और $816 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा अमेरिकी सैन्य वापसी की पूरी कार्रवाई 4 जुलाई तक पूरी हो जाने की संभावना है। अफगान सेना तब तालिबान के खिलाफ अपनी लड़ाई निरंतर रूप से जारी रखेगी और बगराम को अपने कब्जे में ले लेगी। देश में कई लोगों को डर है कि अराजकता का एक नया माहौल पैदा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख नज़दीक आती है, अफगान अनुवादक चिंतित हैं क्योंकि उन्हें अभी तक अमेरिका में विशेष अप्रवासी वीजा के लिए स्वीकार नहीं किया गया है। 18,000 अनुवादक और दूरभाषीय तालिबान के घातक हमलों के डर से लगातार डरे हैं और पिछले 30 वर्षों से अमेरिकी सरकार के लिए समर्थन के कारण अपने घरों से भाग गए हैं। रक्षा